सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल अशोक एडिटिंग। सो दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो के अंदर आपका भाई सिखाने वाला है कुछ इस टाइप का ब्लू ट्यून फोटो एडिट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी का कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं कि इस टाइप का फोटो एडिट आप अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस, मैंने स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। बिल्कुल आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिएगा। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। विदाउट टाइम वेस्ट, लेट गेट स्टार्ट। ओके, सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपनी नॉर्मल सी फ़ोटो को कर लेना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर। तो यहाँ से आप लोगों को शेयर करना है और पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में अपनी फ़ोटो को शेयर कर लेते हैं। अगर गाइस आप लोगों के पास पिक्सआर्ट एप्लीकेशन नहीं है तो जाइएगा प्ले स्टोर से, आप लोग वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में फ़ोटो को इंटर कर लेने के बाद में सिंपली सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करेंगे अपने हेयर्स को थोड़ा ऊपर की ओर। तो यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करते ही आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग देखने को मिल रही है, जिसका साइज आप लोगों को 60% रखना है एंड पावर को आप लोगों को 20% रखना है। और अपनी फ़ोटो को आप लोगों को जूम करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर हेयर्स को ऊपर की ओर उठा लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से आप लोगों को हेयर्स को यहाँ पर उठा लेना है। और अगर आप लोगों को साइज भी बढ़ाना है तो आप यहाँ से साइज भी बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से फटाफट हम लोग अपने हेयर्स को ऊपर की ओर बढ़ा लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हो कि हमने अपने हेयर्स को यहां पर ऊपर की ओर कर लिया है। यहां पर आप लोग बिफोर आफ्टर देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों, इतना करने के बाद में अब आप लोगों को यहां से अपनी फ़ोटो को ड्रॉ टूल पर क्लिक करके यहां से फ़ोटो को कर लेना है सेव। और सेव करने के बाद में दोस्तों, अब आप लोगों को फ़ोटो को शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर आप लोगों को इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को लाइटरूम एप्लीकेशन में फ़ोटो को इंटर कर लेना है, जहाँ से हम लोग करेंगे अपनी यहाँ पर कलर ग्रेडिंग को। तो अगर आप लोगों के पास लाइटरूम एप्लीकेशन नहीं है तो जाइएगा, उसको भी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो गाइस, यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो, लाइटरूम एप्लीकेशन को फ़ोटो को इंटर कर लिया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करेंगे लाइट को एडजस्ट। तो यहाँ पर लाइट्स पर क्लिक करना है एंड इसका एक्सपोजर हल्का सा आप लोगों को इंक्रीज कर लेना है एंड कंट्रास्ट को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेना है एंड हाईलाइट को आप लोगों को माइनस की ओर रख लेना एंड शेडो को हल्का सा इंक्रीज एंड वाइट को भी आप लोगों को डाउन की ओर रखना है एंड ब्लैक को भी आप लोगों को डाउन कर देना है। उसके बाद दोस्तों, अब आप लोगों को यहाँ पर टेम्परेचर टूल्स पर क्लिक करना है। टेम्परेचर टूल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर वाइब्रेंस को आप लोगों को बढ़ा देना है कुछ 47 एंड यहाँ पर सेचुरेशन को भी बढ़ा देना है 10%। उसके बाद दोस्तों, अब आप लोगों को यहाँ पर टिम्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसको हल्का सा प्लस की ओर रखिएगा, सॉरी दोस्तों माइनस की ओर रखिएगा एंड टिंट को आप लोगों को प्लस की ओर रखना है। उसके बाद दोस्तों, मिक्स वाले टूल्स पर क्लिक करना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर रेड कलर को सिलेक्ट करना है और सेचुरेशन आप लोगों को कुछ इतना बढ़ा देना है। उसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पर इस वाले ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, जिसका सेचुरेशन आप लोगों को माइनस की ओर रखना है एंड लुमिनियंस को आप लोगों को बढ़ा देना है, ताकि दोस्तों हमारा जो फेस है वो हल्का सा ब्राइट हो जाए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमारा फेस जो है ब्राइटनेस हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, अब आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को इस वाले ग्रीन टूल पर, ग्रीन जो कलर है उस पर क्लिक करना है एंड इसका सेचुरेशन आप लोगों को माइनस की ओर रख देना है एंड इस वाले साइन कलर को क्लिक करके आप लोगों को सेचुरेशन को बढ़ा देना है। एंड अब आप लोगों को ब्लू कलर पर क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पार्ट है वो ब्लू कलर में है, तो इसको ब्लू कलर का बहुत महत्व है। तो इसको आप लोगों को सेचुरेशन है उसको बढ़ा देना है कुछ इतना, यहाँ पर 34 रख देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को लुमिनियंस को भी आप लोग बढ़ा या कम कर सकते हो, अपने मुताबिक आप लोगों को रखना है, जो आप लोगों को ठीक लगे वो यहाँ पर आप लोग कलर को एडजस्ट करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को ऊपर की ओर से डन कर देना है। तो यहाँ पर ब्लू कलर का जो काम था वो यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, अब हम लोग करेंगे यहाँ पर जो फेस है उसको करेंगे यहाँ पर स्मूथ। तो सबसे पहले स्मूथ करने के लिए आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को इस वाले टूल्स पर क्लिक करना है और इस वाले टूल्स पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को ब्रश वाले टूल्स को सेलेक्ट कर लेना है एंड इसका जो साइज है उसको यहाँ पर हम लोग बढ़ा लेते हैं कुछ, यहाँ पर 15 या सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैं 15 रख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, 15 रखने के बाद में अब अपने फेस पर इसको ब्रश को ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे पार्ट पर जहाँ आपकी स्किन है उसको यहाँ पर कर लेना है। तो फटाफट हम लोग ये काम कर लेते हैं। सो
गाइस जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पूरी यहाँ पर मैंने स्किन पर ये कलर कर लिया है, सॉरी दोस्तों ब्रश जो है उसको कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग सबसे पहले शार्पनिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर शार्पनिंग को आप लोगों को माइनस की ओर रख देना है एंड नॉइस को भी आप लोगों को माइनस की ओर रख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टेक्स्चर पर क्लिक करना है और टेक्स्चर को फिर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को टेक्स्चर को बिल्कुल डाउन की ओर रख देना है एंड क्लियरिटी को आप लोगों को हल्का सा माइनस की ओर रख देना है एंड डीएस को भी आप लोगों को माइनस की ओर रख देना है। कुछ यहाँ पर डीएस को आप लोगों 4% रख देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो फेस है वो दोस्तों यहाँ पर स्मूथ हो चुका है। तो सबसे पहले इतना करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ से कर देना है डन। तो यहाँ पर बिफोर आफ्टर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर, तो यहाँ पर कितना अच्छा जो हमारा फेस है वो यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग करेंगे यहाँ पर इस वाले कलर पर टूल्स पर क्लिक करके यहाँ पर कलर ग्रेडिंग पर क्लिक करना है और हल्का सा आप लोगों को ब्लू टोन में यहाँ पर कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इतना कर लेंगे एंड ऊपर से कर देते हैं डन। डन करने के बाद में यहाँ पर मिक्स वाले टूल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लेना है। ब्लू कलर का सेचुरेशन है, सॉरी दोस्तों जो ह्यू है उसको आप लोगों को हल्का यहाँ पर बढ़ा देना है कुछ 10%। उसके बाद दोस्तों यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद में यहाँ पर शेयर पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को गैलरी में सेव कर लेना है और यहाँ पर सेव करने के बाद में अब अपनी फ़ोटो को यहाँ पर स्नैपसीड एप्लीकेशन में इंटर कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास स्नैपसीड एप्लीकेशन नहीं है तो उसको भी आप लोग प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर सकते हो। तो फटाफट हम लोग ये काम कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि स्नैपचैट एप्लीकेशन फ़ोटो को एंटर कर लेने के बाद में सबसे पहले आप लोगों को टूल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर ट्यून इमेज पर क्लिक करके इसका जो ब्राइटनेस है उसको आप लोगों को इंक्रीज कर देना है एंड कंट्रास्ट को भी हल्का सा इंक्रीज एंड सैचुरेशन को भी हल्का सा इंक्रीज। उसके बाद दोस्तों अब आप लोग सैचुरेशन को इंक्रीज करने के बाद में एम्बियंस का ऑप्शन है, एम्बियंस को आप लोगों को कुछ 11% रख देना है एंड हाईलाइट को माइनस की ओर रख लेना है। शैडो को भी आप लोगों को हल्का सा माइनस की ओर एंड यहाँ पर वर्थ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसको आप लोगों को 5% रख देना है एंड ऊपर से डन कर देना है। डन करने के बाद में आप लोग फिर से पेंसिल वाले टूल्स पर क्लिक करके यहाँ पर डिटेल्स पर क्लिक करना है। डिटेल्स को आप लोगों को यहाँ पर 10% या 11% रख दीजिएगा एंड शार्पनिंग को भी आप लोगों को कुछ 4% रख देना है, ऊपर से कर देना है डन। डन करने के बाद में अब आप लोग फिर से पेंसिल वाले टूल्स पर क्लिक करना है और पेंसिल वाले टूल्स पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोग पोर्ट्रेट पर क्लिक करके यहाँ पर इसका जो स्मूथ है उसको आप लोग बढ़ा देना है एंड जो आइस क्लियरिटी है उसको भी आप लोगों को यहाँ पर रख देना है। कुछ है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आइस क्लियरिटी आप अपने मुताबिक रखना, जितना आप लोगों को ठीक लगे वो यहाँ पर रख देना है एंड ऊपर से सॉरी दोस्तों नीचे से कर देना है डन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों का कोई भी पार्ट डार्क है तो डार्क करने के लिए, लाइट करने के लिए आप लोगों को पेंसिल वाले टूल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्टिव वाले टूल्स पर क्लिक करके आप लोगों को अपने पार्ट को सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से एंड हल्का सा ब्राइटनेस इंक्रीज कर देना है और कंट्रास्ट को भी इंक्रीज एंड सैचुरेशन को भी इंक्रीज आप अपने मुताबिक रख लेना एंड नीचे से कर देते हैं डन। डन करने के बाद में अब आप लोग फिर से पेंसिल वाले टूल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर कर्व वाले टूल्स को आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। कर्व वाले टूल्स को सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों नीचे से पोर्शन को हल्का सा ऊपर की ओर उठा देना है एंड इस वाले पोर्शन को आप लोगों को हल्का सा नीचे की ओर रख देना है और उसके बाद ऊपर सॉरी दोस्तों नीचे से कर देना है डन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो फोटो है बिफोर आफ्टर कितना मस्त हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर फोटो एडिट कर सकते हो ओनली तीन टूल्स का मैंने यूज किया है। वैसे तो दो ही टूल्स का यूज किया है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने हेयर्स को है वो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ाया हुआ है। अगर आप लोग वो नहीं चाहते हो तो यहाँ पर दो ही टूल्स का यूज करके आप लोग बेस्ट फोटो एडिट कर पाओगे। तो यहाँ पर अब आप लोग सेव करने के लिए सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो गाइस इस तरीके से आप लोगों को फ़ोटो एडिट कर लेना होगा। तो आई होप आप लोगों को इस फोटो का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया हो। चलिए गाइस मिलते हैं अगली ऐसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।